लेकर प्रदेश भर में अभियान चलाया जा रहा है। इन दिनों 15 से 18 वर्ष की आयु के युवाओं को वैक्सीन लगाई जा रही है। इसी कड़ी में हरदा जिले के अंतर्गत शिक्षा विभाग ने एक बड़ा अभियान चलाते हुए इस मामले में पहल की है। हरदा जिले की खिड़किया नगर में शिक्षा विभाग ने जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें वार्ड क्रमांक 9 एवं 10 में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 15 से 18 वर्ष के बच्चों को वैक्सीन लगाई, जिसमें शिक्षा विभाग एवं जनप्रतिनिधियों के सहयोग से प्रत्येक घर घर पहुंचकर वैक्सीन लगवाई जा रही है। इस जागरूकता अभियान में हरदा से जिला शिक्षा अधिकारी LN प्रजापति एवं जनप्रतिनिधियों ने सहयोग किया, घर घर पहुंचकर वैक्सीन लगवाई। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी LN प्रजापति, BRC GR चौरसिया, विकास खंड शिक्षा अधिकारी मनोज झिंगन, भाजपा नेता नितिन गुप्ता, विनय सिंह, राजपूत शिक्षक प्रदीप रचारिया, सुनील सोंधिया एवं डॉक्टर RK विश्वकर्मा सहित अन्य उपस्थित थे। जन जन का कर्तव्य और भ्रांतियों से बचना है विशेष। अभी 15 से लेकर के 17 साल तक के जितने भी बच्चे हैं, शाला प्रवेशी हों या नियमित हों, उन्हीं के लिए एक विशेष अभियान कलेक्टर सर के मार्गदर्शन में पूरे ज़िले के अंदर चलाया जा रहा है, जिसमें आज यहां खिड़किया ब्लॉक में उपस्थित होकर के हमारे सभी जनप्रतिनिधि और साथ में समाज सेवी, हमारे BMO साहब, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, BRC और सभी टीम शिक्षा विभाग की आज प्रत्येक घर में जाकर के बच्चों का वैक्सीनेशन करा रहे हैं, जिसके तहत आज इस रैली में वार्ड नंबर 9 में हम आपके सामने खड़े हुए हैं। यहाँ अभी जो है इस मोहल्ले में 8 बच्चों का वैक्सीनेशन ये पूरी टीम के द्वारा किया गया है और ऐसे ही ये निरंतर रूप से अपने जितने भी बच्चे छूटे हुए हैं उनको यहाँ कवर किया जा रहा है। हरदा से दोपहर न्यूज़ के लिए सुनील मालाकार की रिपोर्ट।